केंद्र की ओर से दिए गए हलफनामे पर अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल केंद्र की ओर से दिए गए 41 पन्ने के इस हलफनामे का अब सियासी अध्ययन भी शुरू हो चुका है। हलफनामे में इस बात का जिक्र है कि केंद्र ने राज्य को घुसपैठ से संबंधित जानकारी शेयर की थी। अब ऐसे में ये मामला कानूनी लड़ाई के साथ साथ सियासी मैदान में भी खूब उछल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा कानूनी लड़ाई के साथ साथ सियासी मैदान में भी गंभीरता से उछलने लगा है। 12 सितंबर को केंद्र की ओर से सौंपे गए हलफनामे में कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो वास्तव में कई सवालों को खड़े कर रही हैं। हलफनामे के पारा 35 के साथ कई जगहों पर इस बात की जानकारी शेयर की गई है कि केंद्र की ओर से राज्य को घुसपैठ की जानकारी पूर्व में शेयर कर दी गई थी। अब सवाल है कि जब जानकारी 2021 में शेयर करने की बात कही गई है, तब उस समय इसे लेकर क्या कार्रवाई की गई? ये भी कि राज्य के हलफनामे में घुसपैठ की संख्या शून्य क्यों बताई गई? गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जो हलफनामा तैयार किया गया, उसमें किन बातों का जिक्र है, ये जान लीजिए। राज्य के साथ जानकारी शेयर करने का जिक्र, पारा 35 में संथाल के सभी जिलों में घुसपैठ का जिक्र, पाकुड़ और साहेबगंज जिले में भारी घुसपैठ की जानकारी, पहली बार 145 और दूसरी बार 204 घुसपैठियों की सूची, ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए संथाल में घुसपैठ का जिक्र, 2021 के अप्रैल और जून की जानकारी का जिक्र, इसके साथ ही 6 जिलों में मदरसा और घुसपैठ की बढ़ोतरी की भी जानकारी हलफनामे में दी गई है। दो एफिडेविट फाइल हुआ है, एक तो होम के तरफ से और दूसरा आया है आधार कार्ड के, आधार जो एजेंसी है उनके। आधार का कहना है कि वो आधार नंबर जो है वो कहीं से भी किसी का सिटीजनशिप का आधार नहीं हो सकता। देखिए, अब तो केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया उससे राज्य सरकार पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई। अब पैरा 35 में जो केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है उसमें इस बात का स्पष्ट वर्णन है कि संथाल परगना में भारी पैमाने पर घुसपैठ हुई है साहिबगंज और पाकुड़ इलाके से, जो कि वेस्ट बंगाल से सटा है, जो बांग्लादेश बॉर्डर से अंततः सटता है। घुसपैठ मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल की जा सकती है, क्योंकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा था कि घुसपैठ को लेकर राज्य के एफिडेविट में अगर कुछ गलत पाया जाता है तो फिर अवमानना का केस ही चल सकता है। तो एफिडेविट में कहा गया है कि पेटिशनर की बात सही है, तो अब यह देखने वाली बात है कि आगे स्टेट क्या करता है। और कोर्ट ने जिस तरह से कहा था कि हम कंटेम्प्ट इनिशिएट करेंगे, तो अब मैं इसमें आगे देखता हूं कि हम लोग इसको किस तरह से ले सकते हैं। और आने वाले समय में, मतलब मंगलवार से पहले पहले, मैं वोटर आईडी का काफ़ी संख्या में किस तरह से घोटाला हुआ है और किस तरह से फर्जीवाड़े के साथ वोटर आईडी को क्रिएट किया गया है, वो पूरा डेटा हम लगाएंगे। जाहिर सी बात है कि जब सीमा से जुड़ा मामला है तो इसमें केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण, हम समझते हैं कि उनकी दायित्व है ये। और ऐसे स्थिति में ये जवाब जो है आदरणीय गृह मंत्री जी से पूछा जाना चाहिए। कानूनी लड़ाई की बात करें तो संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा अपने सच को तलाशता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। बात सियासत की करें तो संथाल में यह मुद्दा बड़े फैक्टर के तौर पर उछल रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान संथाल की बदलती डेमोग्राफी सियासत के ग्राफ को कितना बदल पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। संजय कुमार सिन्हा, News18, रांची। संथाल में घुसपैठ के मुद्दे पर सियासी घमासान जारी है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि अगर इतना ही घुसपैठ हो रहा है तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है और इसे रोक क्यों नहीं रही, क्योंकि झारखंड चारों तरफ से लैंड लॉक्ड स्टेट है। ऐसे में अगर कहीं से घुसपैठ हो रहा है तो ये केंद्र सरकार की विफलता है। किसी भी माध्यम से यहाँ सीधे कोई फॉरेन कंट्री से आ नहीं सकता, घुसपैठ चाहे पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, चाइना से हो, फॉर दैट मैटर श्रीलंका से हो, अफगानिस्तान से हो, तो घुसपैठिए किस रास्ते आ रहे हैं और अगर इंटरनेशनल बॉर्डर्स कोई ब्रीच कर रहा है तो उसके लिए दोषी कौन है, ये हम आप सब समझते हैं। मीडिया को चाहिए कि वो ये सवाल सख्ती से पूछें कि भाजपा के लोग सवाल तो कर रहे हैं लेकिन अमित शाह अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे और इस तरह के घुसपैठ के मामलों को कैसे कंट्रोल करेंगे।
झारखंड में बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पाकुड़ में जन आक्रोश रैली में शामिल हुए और झारखंड में घटती आदिवासियों की जनसंख्या को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा और कहा बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण राज्य में आदिवासियों की आबादी कम हो रही है। लड्डू बाबू बगान के रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में आयोजित बीजेपी की जन आक्रोश रैली में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को इसका जिम्मेवार ठहराया और कहा कि जनसंख्या घटने से आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। झारखंड में पहले दौर की उत्पाद सिपाही बहाली के लिए दौड़ में शामिल अभ्यर्थियों की मौत पर अब सियासत शुरू हो गई है और बीजेपी लगातार हेमंत सरकार को घेरने में लगी है। रांची के रामपुर में एक महिला अभ्यर्थी की मौत के बाद झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा सरमा और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। साथ ही सरकार पर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की अपील भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह रहे हैं। सरकार बनेगी एमएम का ही है, उनको तो दबाव ही डालना है, बाद में कुछ अलग होगा तो देखा जाएगा, नहीं भी तो मैं जितना हो सकता है कुछ उनके लिए करूंगा। तुम्हारा नाम क्या बेटा? पवन लिंडा। मैं तुम्हारे से संपर्क में रहूंगा, आप थोड़ा सा संपर्क में रहिए, सरकार क्या करता है नहीं करता हम देख लेता है। मुख्य बात यह है कि भाई घटनाएं हो रही है, लोग अस्पताल को जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर मेडिकल केयर जो लेना चाहिए सरकार के रूप में। भाई सरकार किसके लिए है? नागरिकों के लिए है, झारखंड के नागरिक है, गरीब लोग हैं, नौकरियों के लिए अपना जान का बाजी लगा के दौड़ रहे हैं, आपके गड़बड़ी के कारण उनका जान आज इस तरह से जा रहा है, लेकिन मेडिकल सुविधा भी आप नहीं दे रहे। हम लोगों ने मांग किया था कि भाई राज्य सरकार मृतक परिवारों के आश्रितों को 50 लाख रुपया मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बात नहीं आए। हम लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष में रहने के बाद भी 1 लाख रुपये हम प्रत्येक परिवार को देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर जेएमएम से राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर दिखाकर गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, वे सभी एक एक कर बाहर आ रहे हैं, केंद्र की सच्चाई भी सबके सामने आ रही है। राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं को जो कि भाजपा में नहीं है, ऐसे लोगों को ईडी सीबीआई वगैरह का डर दिखा के जेल में डाला था, तो एक एक करके जनता के सामने सच्चाई आ रही है। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन जी जो कि एक युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश के आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, उनको 5 महीने तक जेल में रखा था ईडी ने बिना किसी सबूत के, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना और उन्हें बेल दिया। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली को भी कितना परेशान किया गया, उनके पूरे मंत्रिमंडल को परेशान किया गया, एक एक करके तमाम लोग बाहर आ रहे हैं। और यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।